साइकिल पंचर, हाथी बेदम और कांग्रेस साफ। सीएम योगी की आंधी में उड़ गए अखिलेश। 17 मेयर सीट पर बीजेपी का क्लीन स्वीप। सहारनपुर में बीजेपी ने इमरान मसूद को दिखाई औकात। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कर्नाटक विधानसभा के साथ ही साथ यूपी में हुए निकाय चुनाव का भी रिजल्ट आ रहा है और यूपी में भी मतों की काउंटिंग सुबह से जारी। अभी तक के रुझानों की माने तो 17 नगर निगमों में हुए चुनावों की गिनती में बीजेपी सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए, वहीं 3 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका भी फहरा दी। देखिए ये रिपोर्ट। कभी कांग्रेसी रहे इमरान मसूद ने 2014 में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी बात कही थी और तभी से सहारनपुर के कांग्रेसी नेता इमरान मसूद काफी पॉपुलर हो गए। उसके बाद से समाजवादी पार्टी बीएसपी में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए और अब कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर इमरान मसूद ने बीएसपी ज्वाइन किया था। लेकिन इमरान मसूद के यहाँ पर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव में इमरान मसूद को बुरी हार मिली। खबरों की माने तो सहारनपुर मेयर सीट पर बीजेपी ने 1,54,703 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली। यहां बीजेपी के अजय कुमार सिंह ने बीएसपी की खदीजा मसूद, समाजवादी पार्टी के नूर हसन और कांग्रेस के प्रदीप शर्मा को मैदान में उतारा था। जानकारी देते चले कि यहां से बीएसपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने अपनी भाभी खदीजा मसूद को चुनाव लड़वाया था। शुरुआती रुझान में वो कुछ समय के लिए आगे भी हुई थी मगर समय के साथ साथ वापसी करते हुए यहां बीजेपी ने बाजी मार ली। खदीजा का चुनाव हारना इमरान मसूद पर कई सवाल खड़े कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि योगी ने ऐसी रणनीति रची कि अब लग रहा है कि इमरान मसूद का ही करियर खत्म हो गया। इससे पहले इमरान समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे लेकिन वहां पर भी वो कुछ नहीं कर पाए और अब बीएसपी में आकर बीजेपी ने सारा खेल खराब कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आज का जो परिणाम है ये सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता के प्रति मेरा समर्पण, मैं उनको उनके चरणों में नमन करता हूँ। ये उनकी जीत है, ये आपको जानते हैं जिस तरह के आंकड़े अभी आने वाले हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है आधिकारिक रूप से लेकिन लगभग हम 8,000 मतों से जीतने जा रहे हैं ऐसा अनुमान है। और जिस तरह का वैमनस्य फैलाकर आपने देखा, आपके माध्यमों से भी जिस तरह का वैमनस्य फैलाकर चुनाव किया जा रहा था, हमारी सहारनपुर की जनता ने, जो गंगा जमनी तहजीब की जनता है, उन्होंने मुंह पर तमाचा मारा है और बताया है हम गंगा जमनी तहजीब में रहते हैं, हम इसी से अपने नगर को, नगर निगम को आगे लगे जाएंगे। साथ ही साथ विश्लेषकों की माने तो यूपी नगर निगम चुनाव को योगी ने बहुत गंभीरता से लिया और इसके लिए काफी मेहनत के साथ प्रचार किया और हर इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जनता से कनेक्ट होते हुए सीएम योगी ने अपनी बात रखी और कहा कि हमने ये किया है, हमने ये किया है और अगर आपका साथ मिलता है तो हम विकास के रास्ते खोलेंगे, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है कि कैसे जनता ने दिल खोलकर सीएम योगी को वोट दिया, जिसके एवज में आज पूरे यूपी में बीजेपी के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे। विश्लेषकों की माने तो इन निकाय चुनावों को 2024 आम चुनाव से पहले यूपी का सेमीफाइनल कहा गया था। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा के बाद नगर निकायों में भी दबदबा बरकरार रखा। शहरी निकाय चुनाव 3 तरह के निकायों के लिए होते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी ने महापौर पद पर जीत हासिल की। बीजेपी ने तीनों निकायों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियां बनकर उभरी। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी के लिए 2024 काफी कठिन या आसान होगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है।